हेलो मित्रों, कैसे हो? हमारी यही इच्छा प्रार्थना कि आपके जीवन में सदा ही सब कुछ अच्छा चले। आज का विषय है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। एक कहावत है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और जैसे स्कूल में या कॉलेज में हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं या स्कूल का करिकुलम पढ़ते हैं, वैसे ही जीवन एक स्कूल है। जीवन में काफ़ी चीज़ें सीखनी होती हैं और सीखने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम किताबें पढ़ें। अब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं जो व्यापार में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में आगे हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। और आप शायद मानो या ना मानो, पर वो रोज डेली कुछ देर डिसिप्लिन्ड वे में किताबें पढ़ते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? इतने बड़े लोग हैं, इतनी उनकी गहरी सोच होती है। अगर वो कर रहे हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी या है। तो बात ये है कि पढ़ने से लाभ होता है, पढ़ने से सूची मिलती है, पढ़ने से हमको एक एक रास्ता मिलता है। तो वैसे तो बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं, पर मुझे जो पांच टॉप या जो एकदम अच्छे जो बेनिफिट या उसके फायदे लगते हैं या लाभ लगते हैं, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। और आपसे यही एक एक्सपेक्टेशन या प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान से सुने और नीचे कमेंट्स में आप अपना मत भी रखें, अपनी राय भी रखें, अपना विचार भी रखें। फेवर में भी हो सकता है या आपका कोई अलग विचार भी हो सकता है। तो आपका हर एक विचार, हर एक सुझाव जो है वो मोर देन वेलकम है। और मैं अभी से आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने अभी तक सुना, आगे भी सुनोगे। और हम एक दूसरे के साथ मिल करके जीवन में और अच्छे पॉजिटिव बदलाव लाएं, एक दूसरे को हम सिखाएं, एक दूसरे से हम सीखें। और यही जो नॉलेज है, यही जो ज्ञान है, यही जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है, ये हम शेयर करते चलें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। पहली बात, ये आप पढ़ाई जो है वो आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके दिमाग को, आपके बुद्धि को, आपके माइंड को ये टच करती है, ये उसको प्रोवोक करती है, उसको एक्सरसाइज में लाती है। चलो एक्सरसाइज, जैसे बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होता है, वैसे ही अपने आपके, हमारे सबके दिमाग के लिए एक्सरसाइज जरूरी होता है। और वो एक्सरसाइज का एक माध्यम है, एक स्ट्रांग माध्यम है बुक पढ़ना। अब जैसे हम और आप बुक पढ़ें तो बुक से हमें रेगुलर विचार मिलेंगे, रेगुलर एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और ये हम रेगुलरली करें, ऐसा नहीं कि एक दिन मान लो मैं या आप हम 3 किलोमीटर चले और बाकी फिर 10 दिन कुछ नहीं करा, ऐसे नहीं होता है। डेली एक डिसिप्लिन मोड में हमने कुछ देर जो हम कर पाए, अगर 10 मिनट दे पाए, 15 मिनट दे पाए, 1 घंटा दे पाए या 2 घंटे दे पाए, जो हम अपने लाइफ के स्टेज के और लाइफ के प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटी के बीच में से समय निकाल के हम एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करें, तो उससे क्या होगा? एक तो डिसिप्लिन बनेगा और दूसरा हम रोज पढ़ते जाएंगे तो एक हैबिट बनेगी, एक आदत बनेगी। और आप ट्रस्ट करिए कि ये जो आदत है ये बहुत अच्छी आदत है और ये आपके जीवन को बदलेगी। तो पॉइंट अगेन ये है कि पढ़ना, किताबें पढ़ना और अच्छी किताबें पढ़ना, ये आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को, आपके बुद्धि को एक एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस कराती है। ये आपको हमेशा आगे फॉरवर्ड लेके जाएगी। दूसरा, तनाव कम करती है या कम करता है पढ़ना। सीन ऐसा है कि हम डे टू डे लाइफ में बिजी होते हैं, 1708 चीजें हमें घेरे हुए होती हैं और हम उन सब से टाइम निकालते, एक दूसरे चीज को हम मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। अब सीन ये होता है कि कभी कभी हमको लगता है, अरे यार थोड़ा सा मुझे अगर एक ब्रेक मिल जाए, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो वो ब्रेक, वो एक एस्केप, वो एक जगह या वो एक एक्सपीरियंस हमें बुक पढ़ना देता है, या बुक अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमको वहां से मिलता है। अब
वो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है रेगुलर। इसीलिए जैसे पहले पॉइंट में कहा कि आप रेगुलरली अगर 5, 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा भी रोज पढ़ते हैं तो वो आपका एक स्ट्रेस कम करने वाला एक एक्सपीरियंस होगा, वो आपके तनाव को कम करेगा और आपको फिर रिचार्ज करेगा कि चलो भाई अब रिचार्ज हो गया, अब चलो मैं चलता हूँ फिर काम पे लगता हूँ। सेम जैसे एक मोबाइल को हम यूज करते हैं, करते करते हैं बैटरी कम हो जाती है, पर फिर हम उसको चार्ज में लगाते हैं, और जब हम चार्ज में लगाते हैं तब हम उसको यूज नहीं करते मोस्टली। तो उसी तरीके से ये हम हमारी बैटरी को, हमारे दिमाग को, हमारे पूरे शरीर को एक चार्जिंग मिलता है बुक पढ़ने से। तीसरा पॉइंट, ज्ञान बढ़ाता है। देखो बहुत से विषय हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से अलग-अलग स्टेज या लिखावट है, तो हमारा नॉलेज जो है, जैसे हमने स्कूल किताबों में, स्कूल में या कॉलेज में नॉलेज लिया है, ठीक उसी तरीके से लाइफ का जो नॉलेज है वो भी हमें लेना जरूरी है। अब लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस, हर एक नॉलेज लेना खुद से प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा बट डिफिकल्ट होता है। तो ठीक उसी तरीके से जिन्होंने किताब लिखी है, जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस किताब में पिरोए हैं, किताब में डाले हैं या एक बुक में डाले हैं, तो वो बुक अगर हम पढ़ लें तो हम उनके लाइफ का एक्सपीरियंस या उन्होंने कहीं देखा वो एक्सपीरियंस हमने पढ़ लिया, वो उसका हमने एक विजुअलाइजेशन किया, वो हमने एक एक दिमाग में एक फ्रेम बनाई, अंदाजा बनाया, तो वो हमने पढ़ने से सीखा। अब वो पढ़ते 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 हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस भी अगर हम लाइफ में कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी नॉलेज भी बड़ी, हमारा एक्सपीरियंस भी बड़ा, हमारी लाइफ भी इम्प्रूव हुई, जो काफी हेल्पफुल है, काफी जरूरी है। तीसरा, शब्दावली में सुधार करना। शब्दावली मतलब इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं, कि जैसे जैसे हम पढ़ें, अब जो वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिन रात रीडिंग करते हैं, जो लिखते हैं, वो शब्दों को सेंटेंसेस में या वाक्यों में बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बिठाते हैं, रखते हैं, तो वो जो लिखावट है, वो जो उनके जो दिमाग की उपज है, वो हम पढ़ते हैं, और पढ़ने से जो शब्द यूज होते हैं वो हम भी सीख के, समझ के उसको हम अपने लाइफ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, हम डे टू डे कम्युनिकेशन में हम यूज कर सकते हैं। और जब हम वैसे यूज करते हैं और जो पढ़ने वाला होता है सामने, उसको भी एक फील आता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये इसकी सोच जो है, सूझबूझ जो है वो ठीक है, वो अच्छी है, कि भाई ये लिखता या बात करता है वो पढ़ा लिखा एक सुलझा हुआ बंदा है। तो आपकी एक पॉजिटिविटी बनती है, आपकी एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनती है, आपके एक पर्सनालिटी में ये एडअप होता है कि भाई ये बंदा भारी दिखाव से तो ठीक है, पर इसके जो अनुचरण में है, इसके जो यूसेज में है, इसके जो इंटरेक्शन में है, कम्युनिकेशन में है, ये सुलझा हुआ बंदा है। तो आपका एक इंप्रेशन, आपका नेटवर्क भी वैसा बनता है, आपके साथ वैसे अच्छे सोच वाले जो विचार मंथन करते हैं, जो मनोचिंतन करते हैं, वैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो आपकी सक्षमता जो है, आपकी जो जो एक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। आप तो निश्चिंत है, आप जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उठना बैठना होगा, तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ना, आपकी जर्नी शुरू हो गई, आप आगे बढ़ोगे। लास्ट, फोकस और आपकी एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन में वृद्धि करता है या कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अब आप जैसे दूसरे पॉइंट में मैंने कहा तनाव कम करता है, तनाव कम करने के लिए आप पढ़ते हो, तो जब आप पढ़ते हो किताब तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने पे। अब जैसे मान लो मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ या आप कुछ पढ़ रहे हो, तो वो आप उसमें मतलब डूब जाते हो, नॉट पूरी तरीके से, या डूबने का लेवल अलग हो सकता है, पर आप थोड़ी देर के लिए जो पढ़ रहे हो उसमें डूब जाते हो, और जो पढ़ रहे हो उसका आप विजुअलाइजेशन करते हो, उसको आप इमेजिन करते हो कि अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो क्या होता है कि आपका जो एक फोकस है, आपका जो दिमाग एक जगह पे ठहराव करता है या एक जगह पे कंसंट्रेट करता है उस पढ़ने के दौरान, उसकी एकाग्रता, उसकी डेप्थ जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। अब ये क्या होता है कि ये भी एक क्वालिटी है जो आप डेवलप कर रहे हो अपने आप में,
ठीक है। और जब पढ़ रहे हो थोड़ी देर के लिए, जैसे 5 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, जो समय आपने रेगुलरली पढ़ा, उस समय आपकी ये जो एक्सरसाइज होती है पढ़ने की, शब्दों की, सेंटेंसेस को समझने की, सिचुएशन या जो प्लॉट है या जो एक सिचुएशन है, एक इमेजिनेटिव सीन है, वो आप उसमें आप चले जाते हो। जैसे हम एक एक सपना देख रहे हैं या हम सोच रहे हैं बैठ के, और हम उस सोच में हम एक पात्र हो जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए उसमें खो जाते हैं। अब वो खोना होता है कि एक कंसंट्रेशन वाली बात है कि भाई आप डे टू डे लाइफ में थे, पर जब पढ़ना शुरू किया तो आप डे टू डे लाइफ से डिटैच हो गए और आप उस बुक में, उस किताब में, उस पेज में, उस पैराग्राफ में चले गए। वहां से आपने देखा, सुना, समझा, अपने आप में एक फील किया और फिर आप उस किताब से वापस डिस्चार्ज होकर के फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। तो ये होता है कि आपका एक फोकस बढ़ गया, आपका एक कंसंट्रेशन बढ़ गया, आपका एक अटेंशन बढ़ गया उस चीज। और ये जो क्वालिटी है या ये जो सारी क्वालिटीज हैं, ये आप फिर डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। अब ये इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब आपने आपकी लाइफ में क्वालिटी लाई, आपने आपके लाइफ में क्वालिटी का सुधार करा। अब आप मान लो आप आधा घंटा पढ़ते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 23.5 घंटे जो हैं, आप इस आधे घंटे का जो चार्ज है, जो रिचार्ज है, इसको आप 23.5 घंटे में या 23 घंटे में इम्प्लीमेंट करते हो। तो सोचिए कि आपकी लाइफ की जो जो एक बदलाव है, जो एक क्वालिटी है, जो एक इम्प्रूवमेंट है, वो डेली बढ़ते जाएगी, वो डेली इम्प्रूव होते जाएगी। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप कहीं पे भी कर सकते हो। मान लो आप घर पे बैठे हो, 15-20 मिनट पढ़ लिया आपने, या बुक, जो छोटी किताब, बड़ी किताब, जो भी आपने साथ में रख ली, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वहीं पे आपने पढ़ लिया, ऑफिस में काम कर रहे हो, लंच के टाइम में, लंच से थोड़ा टाइम निकाल के 5-10 मिनट आपने बुक को फिर पढ़ लिया, शाम को आते वक्त आपने पढ़ लिया, तो समय जो है आपके पास है, आपकी स्थिति परिस्थिति जो है वहाँ कहीं ना कहीं आप टाइम निकाल सकते हो। रात को सोने के पहले आपने आधा घंटा या 15-20 मिनट पढ़ लिया, तो पढ़ सकते हो। पढ़ने का जो टाइमिंग है, सिचुएशन है, प्लेसमेंट है, वो अवेलेबल है, वो करना आपने है। पर डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कि पढ़ना ये आपको हमेशा 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 आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात, जैसे कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, अब मेरे केस में ऐसा था कि मैंने लाइफ के 20-22 साल बीच में काम पे इतना फोकस किया कि मैंने पढ़ना मतलब नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ पाया, मैंने फोकस नहीं दिया। पर पिछले 2-2.5 साल से मैंने पढ़ना शुरू किया, जब जब मुझे जैसे समय मिलता है मैं पढ़ता हूँ, और मैंने किताबों में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, सेकेंड हैंड किताबें, नई किताबें, जब मुझे कहीं कुछ दिखता है, दिखती हैं किताबें, तो मैं उससे एक आध किताब को बाय कर लेता हूँ, रख लेता हूँ। जरूरी नहीं मैंने तभी बाय करी और तभी पढ़ी, जब जैसे 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 एक एक किताब खत्म होते जाएगी तो मैं दूसरी किताब उठा के पढ़ूंगा। और इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा एक पर्पस ये है कि मुझे एक आदत है, मैं हाईलाइटर से या मार्कर से मार्क करता हूँ, पेंसिल से मैं साइड में कुछ लिखता हूँ, मेरे विचार लिखता हूँ, या शब्द का मीनिंग लिखता हूँ, या अंडरलाइन करता हूँ, या मुझे कहीं इंपॉर्टेंट लगा कोई पैराग्राफ या कोई वाक्य या कोई पॉइंट, तो मैं उससे वहां पे और मार्क करता हूँ या और लिखता हूँ। तो इस तरीके से वो किताब जो है या वो जो सेट है या जो पूरा जो काइंड ऑफ लाइब्रेरी है, वो मेरे साथ रहेगा जब तक मैं हूं, और मेरे बाद वो मेरे बच्चों को मिलेगा। तो ये एक धरोहर है, ये एक एसेट है, ये एक ट्रेजर है जो आप के साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, फिर आप पास ऑन करोगे। जैसे मुझे भी कहीं किताब अगर मैं कहीं से लेता हूँ, तो किसी ने लिखी या किसी ने वहां रखी बेचने के लिए, या किसी ने पढ़ के वहां रख दी कि भाई किसी और को लाभ मिले। तो ये एक धरोहर है, ये एक एसेट है, ये एक ट्रेजर है जिसको हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लाना चाहिए, जीवन में हमने एक इसका संग्रह करना चाहिए, और इसको हम पढ़ते रहें, यूज करते रहें, और डे टू डे लाइफ में भी इसको प्रैक्टिकली यूज करें। ये मेरा एक मंतव्य है, ये मेरा एक विचार है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा है। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट में लिखें जो आपको पॉइंट्स पसंद आए, या कहीं मैंने सिर्फ 5 लिखे, आपके पास शायद 2, 4, 5, 10, 15 जो भी पॉइंट्स हो आप लिखें, और हम ये जो एक पॉइंट है या एक जो नॉलेज है या ये जो एक विचार है सारे, ये हम शेयर करें आपस में, और एक कम्युनिटी या एक नेटवर्क वैसा बनाएं और इस कम्युनिटी को हम
ग्रो करें। और दूसरा सब्सक्राइब करें चैनल को, कि इसके बाद अभी मैं किताबों पे वीडियो शायद बनाऊंगा, जैसे एक एक किताब जो मेरे पास है जो मैंने पढ़ी है उसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में हाईलाइट करूंगा, जो ऑथर है उसके बारे में बात करूंगा। और आप फिर जब आपको मौका मिले, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो, आप बुक बाय कर लो, या अगर आपके पास लाइब्रेरी है कहीं आपके शहर में सिटी में, तो आप वहां से अगर बुक मिलती है पढ़ लें उसको, एंड ब्रिंग डिफरेंस इन योर लाइफ, ब्रिंग पॉजिटिव डिफरेंस इन योर लाइफ। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।